हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर। सीएमसी इंदौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगी एक वैकेंसी के बारे में जो कि अभी हाल ही में जारी की गई है। फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है। इस वैकेंसी की खास बात यह है कि इसमें सैलरी अच्छी खासी है, यानी कि 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की आपकी सैलरी हो सकती है। साथ ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांगा गया है। और अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ कैटेगरीज को फॉर्म की फीस बिल्कुल भी नहीं देनी है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें पूरा नोटिफिकेशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोसेस क्या होगा आपके सिलेक्शन का, किस तरीके से एग्जाम होगा, सिलेबस क्या होगा एग्जाम का, साथ ही ये भी जानेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि क्या होने वाला है और कितनी क्या पोस्ट है, ये सभी चीजें देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो वैकेंसी है ये किस तरीके से जारी की गई है। CSIR के थ्रू ये वैकेंसी आपके लिए जारी की गई है। CSIR का फुल फॉर्म होता है Council of Scientific and Industrial Research। इसके थ्रू करीब 444 पोस्ट पर यह वैकेंसी जारी की गई है, यानी कि 400 से भी ज्यादा पोस्ट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए जरूरी है, फॉर्म भरने की डेट, फॉर्म भरने की लास्ट डेट, एग्जाम का टाइम, ये सारी चीजें यहां दी गई है। तो फॉर्म भरना आप स्टार्ट कर सकते हैं 8 दिसंबर 2023, यानी फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, फॉर्म जारी हो चुके हैं 8 दिसंबर 2023 को। तो आप फॉर्म अभी भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं? तो 12 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म भर सकते, आने वाले 12 जनवरी तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, ये लास्ट डेट है। अब एग्जाम का देख लेते हैं। तो यहां पर एग्जाम अलग अलग स्टेजेस में होता है, फेज 1 फेज 2 या स्टेज 1 स्टेज 2 कह सकते हैं। तो स्टेज 1 का जो आपका एग्जाम होगा वो फरवरी 2022 में होगा। अभी एग्जैक्ट डेट इसका नहीं बताया गया, इसको जब आप क्लियर करेंगे तो फिर आप अगले स्टेज में पहुंचेंगे। बाकी पूरा वीडियो डिटेल में देखिए, इसमें हम सब कुछ आपको डिटेल में समझा देंगे। यहां पर आपको अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो वेबसाइट की यहां पर आपको लिंक दी गई है, ये साइट की लिंक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। साथ ही अगर आपको CSIR के बारे में थोड़ा समझना है कि ये क्या चीज है जिसका फॉर्म आप भरने वाले हैं, तो इसका फुल फॉर्म तो हमने देख ही लिया। एस्टैब्लिश किया गया था 1942 में, एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के तहत है। और ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो विभाग है, ये हमारे भारत सरकार के एक मंत्रालय के तहत आता है, जिस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मंत्रालय है हमारे भारत सरकार का, उसके तहत आता है। इसके कई सारे लैबोरेटरीज हमारे भारत में नेशनल लेवल पर स्थित है, करीब 36 नेशनल लैबोरेटरीज है इसके। यानी कि अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, इन सभी चीजों में आपको रुचि है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं पोस्ट की, कि कौन कौन सी पोस्ट यहां पर है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है, सेक्शन अलग अलग तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पहले एसओ की पोस्ट देख लेते हैं, उसके बाद एएसओ की पोस्ट देखेंगे। यानी एसओ और एएसओ दोनों तरह की पोस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगी। एसओ में यहां पर आपको जो एब्रिविएशन दिख रहा है, इसके फुल फॉर्म है जनरल स्टोर्स एंड परचेस और फाइनेंस एंड अकाउंट्स। इनकी जो वैकेंसी है, इनकी टोटल वैकेंसी 76 निकाली गई है, यानी कि सेक्शन ऑफिसर की टोटल 76 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपको सैलरी 47,600 से लेकर 1,51,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री, ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। चाहे आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया हो, कोई इशू नहीं है। एज लिमिट आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए 33 इयर्स। 33 इयर्स से ज्यादा अगर आपकी एज है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अगले पोस्ट की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी कि एएसओ की पोस्ट है ये। इसमें टोटल पोस्ट 368 डिक्लेयर की गई है। इसमें आपको सैलरी मिलेगी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक की, यानी वही 1.5 लाख के आसपास तक आपकी सैलरी जो है ये पहुंच सकती है। यूनिवर्सिटी की डिग्री ही इसमें मांगी गई है, यानी ग्रेजुएशन डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी फील्ड से, और इसमें भी एज लिमिट 33 इयर्स ही कहा गया है। अब आगे हम देख लेते हैं और क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी है। और यहां पर आप देखेंगे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यानी जनरल कैटेगरी के लिए पोस्ट को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। सेक्शन ऑफिसर के 76 पोस्ट को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया, ये आप देख सकते हैं। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट को भी, जो 368 पोस्ट है, उनको भी कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया अलग अलग कैटेगरीज में। अब आगे अगर हम देखें
तो फॉर्म की फीस कितनी है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ कैटेगरीज के लिए फॉर्म की फीस बिल्कुल जीरो है, यानी फॉर्म की फीस देनी ही नहीं है। वो कैटेगरीज है वुमेन, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी, साथ ही एक्स सर्विसमैन, ये सभी जो है इनको फॉर्म की फीस बिल्कुल नहीं देनी है। साथ ही सीएसआईआर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो है उनको भी कोई फॉर्म की फीस नहीं देनी है। थोड़ा सा आप अगर इसको शॉर्ट में समझे तो वुमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, सीएसआईआर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को कोई फीस नहीं देनी है, बस सीधी बात है। फॉर्म की फीस देनी किसको है? तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो मेल होंगे उनको देनी है, यानी जनरल कैटेगरी के जो मेल होंगे उनको, ओबीसी को देना है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज को फॉर्म की फीस देनी। कितनी देनी है? तो 500 रुपए देनी है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन आपको मिलता है, यानी 33 साल तो सबके लिए है, लेकिन कुछ कैटेगरीज हैं जिनको यहां पर रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो उसमें एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी में अनरिजर्व को 10 इयर्स, एससी एसटी को 15 इयर्स और ओबीसी को 13 इयर्स, एक्स सर्विसमैन को 3 इयर्स आफ्टर रिडक्शन ऑफ एक्चुअल मिलिट्री सर्विस, यहां पर आप पढ़ लीजिएगा, और सीएसआईआर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को 5 इयर्स। एनी अदर कैटेगरी को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएं और यहां पर देखें तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न जो है वो दिया गया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अलग अलग स्टेजेस में ये पेपर होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं ये भी देख लेते हैं। यहां पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अगर हम देखें, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इंटरव्यू और सीपीटी, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो 150 मार्क्स का होगा, समय आपको दिया जाएगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का समय आपको यहां पर दिया जा रहा है। सब्जेक्ट्स आपके क्या क्या होंगे यहां पर देखिए, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का दिया गया है 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग 0.33 मार्क्स होगा हर एक गलत आंसर के लिए, ये याद रखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग 0.33 मार्क्स ही होंगे हर एक गलत आंसर के लिए। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी आपको यहां पर देखने को मिलेगा, इन सभी के आपको क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? तो 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन और सेम वही रहेगा, 0.33 मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। यहां पर मैक्सिमम मार्क्स 200 है, 200 नंबर का पेपर होगा और टाइम यहां पर 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का दिया गया है। इंग्लिश हिंदी का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, पेपर 3 है ना, डिस्क्रिप्टिव पेपर किसका होगा? इंग्लिश या हिंदी का। इसमें एसे, प्रेसेस एंड लेटर एप्लीकेशन राइटिंग आएगा, जिसमें 150 नंबर का ये पेपर होने वाला है, 2 घंटे यानी 120 मिनट आपको दिया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू जो कि 100 नंबर का होगा, फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर ओनली, यानी आप एएसओ के लिए अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना है, सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट के लिए ही आपको यहां पर इंटरव्यू देना होगा। अब हम आगे अगर बढ़े तो यहां पर लिखा हुआ है पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 विल बी कॉमन एंड कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, यानी कि तीनों पेपर तो आपको हर एक पोस्ट के लिए देना है ना, ये तो देना ही है, कंपलसरी है, लेकिन इंटरव्यू जो है वो सिर्फ सेक्शन ऑफिसर के लिए आपको देना होगा। अब हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, यहां पर सिलेबस को और डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो आप यहां पर देख सकते हैं ये जो सिलेबस है इसमें जनरल अवेयरनेस में बताया गया है कि आपको क्या क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, यानी कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संविधान जो कि पॉलिटी की बुक में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंडिया की पॉलिटी, साथ ही करंट इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि भारत का भी करंट अफेयर पढ़ना है और अंतरराष्ट्रीय स्तर का भी पढ़ना है। ये 100 नंबर का आपको दिया जाएगा जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन जो रहेगा, ये जितने भी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन, डू एज डायरेक्टर यानी कि एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सेट्रा, साथ में प्रीपोजिशंस, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर्स, पंक्चुएशन, इडियम्स एंड फ्रेसेस, ये सारी चीजें आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ना है, ठीक है। ये 50 नंबर का रहेगा, मतलब कि आपका जो पहला पेपर है वो आपका 150 नंबर का हो जाएगा, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था उसको थोड़ा और डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। अब पेपर 2 को अगर आप देखोगे तो पेपर 2 को भी काफी अच्छी तरीके से बताया गया है। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी कितने नंबर की आएगी?
25 नंबर की, है ना, 25 नंबर की यहाँ पर आएगी और क्वेश्चन भी कितने रहेंगे, 25 ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक नंबर का एक क्वेश्चन है। और क्या पूछा जाएगा सेकंड पेपर में? एरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये भी 25 नंबर का होगा और 25 क्वेश्चन होंगे। जनरल साइंस पूछा जाएगा 25 नंबर का, 25 क्वेश्चन। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इश्यूज और इन्वायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, यानी कि यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट वाला पोर्शन पढ़ना पड़ेगा जो कि 25 नंबर का होगा। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड 25 नंबर का। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 25 नंबर का। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस 25 नंबर के। और नेशनल ज्योग्राफी 25 नंबर का। ये हो गया आपका पेपर टू। इसके बाद पेपर थ्री आएगा जिसमें एसे राइटिंग होंगे दो क्वेश्चन 100 नंबर के। कितने नंबर के? 100 नंबर के। प्रिसिस राइटिंग एक क्वेश्चन 30 नंबर का। लेटर एप्लीकेशन राइटिंग एक क्वेश्चन 20 नंबर का। इस तरीके से पूरा डिटेल में दिया गया। उसके बाद इवैल्यूएशन के बारे में यहां पर दिया हुआ है। साथ ही सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। कुछ भी अब उतना खास बचा नहीं है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर देखना होगा एग्जामिनेशन सेंटर, है ना, फेज वन के लिए, पेपर वन एंड पेपर टू के लिए, दोनों के लिए, तो आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर भी देखने को मिलेगा। देखिए अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, मतलब मध्य प्रदेश के बच्चों को अगर देना है तो भोपाल में एग्जाम सेंटर आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चंडीगढ़, धनबाद, दिल्ली, हैदराबाद, जम्मू, कोलकाता, नागपुर, तिरुवनंतपुरम, पुणे, लखनऊ, जमशेदपुर, जयपुर, गुवाहाटी, देहरादून, चेन्नई, भुवनेश्वर, ये सारे जो है ये एग्जाम सेंटर्स हैं। ये आपको हमने जो है पूरा डिटेल में सिलेबस वगैरह, साथ ही एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, सब कुछ बता दिया है। आगे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।